What is ECGC and which risks covered by ECGC and which risks are not covered by ECGC? ये आज देखेंगे दोस्तों। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सीरीज में एक खास वीडियो है, ये टेक्निकल नॉलेज का है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो आते हैं उनको ये नॉलेज की ज़रूरत है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ए टू जेड नॉलेज के लिए हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके बारे में इंपोर्ट एक्सपोर्ट एजुकेशन डॉट के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, सर्कुलर मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिए। आज हम बात कर रहे हैं ECGC की, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। हो सके तो आप विदेश का पैसा एडवांस में ही लेने की कला डेवलप करो। 100% एडवांस काफ़ी लोग लेते हैं, मिलता है। एडवांस नहीं मिलता है तो सामने वाले से LC ले लो, लेटर ऑफ क्रेडिट। LC नहीं मिलता है, सामने वाले का एडवांस नहीं मिलता है, तो सामने वाले को ऐसा ही उधार माल बन पे। सामने वाला का रिपोर्टेशन अच्छा है, आपको लगता है वो 10 साल का प्रैक्टिस का है, आपके हाथ में लगने के बाद वो 50 करोड़ का ऑर्डर साल का दे देगा, ऐसा कॉन्फिडेंस आपको है, आपने उसका स्टडी करके रखा है। इन दैट सर्कमस्टेंसेस यू अप्रोच टू ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये भारत सरकार की सेपरेट संस्था है जो आपको एक्सपोर्ट के क्रेडिट की गारंटी की पॉलिसी देती है, यानी कि आपका बायर ने पेमेंट नहीं दिया तो ECGC दे देगी, ऐसी पॉलिसी मिलती है आपको। ये लोकल ट्रेड में ये फैसिलिटी नहीं है, ये इंटरनेशनल ट्रेड में फैसिलिटी है। इसलिए दोस्तों आपके पास जब एडवांस भी नहीं है, LC भी नहीं है और आप सामने वाले को उधार देना चाहते हैं क्योंकि वो अच्छा आदमी है, तो आप ECGC के पास जाते हैं। फिर ECGC को आप एड्रेस देते हैं, ECGC इंटरनल इंक्वायरी सामने वाले की करती है, क्रेडिबिलिटी देखती है, और क्रेडिबिलिटी अगर अच्छा है तो आपको पॉलिसी मिल जाता है, और क्रेडिबिलिटी अगर अच्छा नहीं है तो ECGC पॉलिसी डिनाई करते हैं। याद रखना, ECGC ने पॉलिसी डिनाई किया तो वो बंदे के साथ काम नहीं करने का, क्योंकि वो क्रेडिबल नहीं है। और करना है तो फिर एक ही कंडीशन है, 100% एडवांस पेमेंट। 100% एडवांस से करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज डोंट डू एनी ट्रांजैक्शन विद दैट फ्रॉड पार्टी। ECGC इसे थोड़ा पैसा लेती है ECGC, ये क्रेडिबिलिटी निकालने का इसका उसका, लेकिन जो भी 800 रुपये लेती है, 1000 रुपये लेते हैं, कभी कभी 400-500 उनका, दैट इज डिपेंड अपॉन दी पार्टी टू पार्टी, वो जो भी फीस लेती हैं। लेकिन इसके कारण एक फ्रॉड आदमी से आप बच जाता है, ये बहुत अच्छा काम ECGC के कारण होता है। अभी ECGC की पॉलिसी लेने के बाद कौन से रिस्क कवर होते हैं? तो सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया तो भी ECGC आपको पैसा दे देगा। सामने वाले ने 4 महीने में पैसा नहीं दिया, ECGC दे देगा। सामने वाले ने माल ही नहीं उठाया उसके देश के पोर्ट से तो भी ECGC पैसा दे देगा। ये रिस्क कवर होता है, ये कमर्शियल रिस्क है। पॉलिटिकल रिस्क भी कवर होते हैं, जैसा कि रिस्ट्रिक्शन दोनों गवर्नमेंट के कुछ आए हैं विच इज़ बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ सेलर एंड बायर, एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के कंट्रोल के बाहर कुछ गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन है, ये भी ECGC कवर होते हैं। सिविल वॉर वगैरह, ये भी ECGC कवर होते हैं। इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन, कैंसलेशन वगैरह, वैलिड इम्पोर्ट लाइसेंस, ऐसे रिस्ट्रिक्शन भी कवर होते हैं। इंटरेक्शन ऑफ डाइवर्ज ऑफ वॉयज के कारण कुछ हुआ है तो भी कवर होता है, ऐसे काफ़ी रिस्क इसमें कवर होते हैं। लेकिन इसमें 2 रिस्क कवर नहीं होते खास मेजरली, वो बाकी छोटे मोटे हैं लेकिन मेजर 2 है। कमर्शियल डिस्प्यूट बिकॉज ऑफ कॉज इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ गुड्स के कारण कमर्शियल डिस्प्यूट आता है। दोस्तों विदेश व्यापार का ट्रेनिंग बहुत ईजी है, आसान है। ये वीडियो उसके लिए है जो ऑलरेडी विदेश व्यापार में है, जो आया नहीं है उसने मेरे बाकी वीडियो देख ली, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज का वीडियो है। टेक्निकल नॉलेज का वीडियो आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का मेरा ट्रेनिंग लेने के बाद जब देखेंगे तो आपको ईच एंड एवरी चीज समझ में आ जाएगी। लेकिन आप डायरेक्ट ये वीडियो देखते होंगे और आपको लगेगा सुमानी सर क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है भाई वगैरह वगैरह। याद रखना, विदेश व्यापार 8वीं फेल 10वीं फेल आदमी भी 100-100 करोड़ का, 200-200 करोड़ का करता है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप तो ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, 12वीं होंगे, तो आप आराम से कर सकते हैं। इसलिए टेंशन मत लो, खाली ये टेक्निकल नॉलेज है, इसलिए टेक्निकल नॉलेज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का ट्रेनिंग लेने के बाद आप जब देखते हैं तब का इसका फायदा होता है। तो अगर आपने खराब क्वालिटी का माल भेजा है, एक्सपोर्ट किया है, तो ये रिस्क ECGC कवर नहीं करता है, क्योंकि ECGC क्या बोलता है कि आवर पॉलिसी इज फॉर बायर्स इम्पोर्टर्स फॉल्ट। आपका जो बायर है वो फॉल्ट करता है, इम्पोर्टर फॉल्ट करता है, तो हमारा पॉलिसी है एक्सपोर्टर के फॉल्ट के लिए नहीं है। लेकिन कभी कभी आप अच्छी क्वालिटी का माल भेजते हैं लेकिन सामने वाला बदमाश रहता है, वो बोलता है अच्छे क्वालिटी का माल नहीं भेजा, फिर पैसा लटका देता है, ECGC भी कवर नहीं करता है।
इसलिए आपके पास क्वालिटी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। अगर माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते समय आप क्वालिटी इंस्पेक्शन करते हैं, ये प्रोसीजर में आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के प्रोसीजर में परफेक्ट प्रोसीजर अगर मालूम है तो फिर कोई लफड़ा नहीं होता है दोस्तों, याद रखना। इसलिए ट्रेनिंग के लिए बहुत कम पैसा लगता है, लेकिन वो ट्रेनिंग के पैसे में पूरा जीवन बदल जाता है। कोई फ्रॉड नहीं होता है, कोई लफड़ा नहीं होता है, 100% एडवांस कैसे लेना, अच्छा पार्टी कैसा ढूंढना, सब कुछ मालूम हो जाता है। इसलिए क्वालिटी इंस्पेक्शन करके ही एक्सपोर्ट करना चाहिए। प्री शिपमेंट क्वालिटी इंस्पेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, शिप में माल डालने के पहले आपको उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन करना है। तो आपके पास क्वालिटी का प्रूफ रहता है, सबमिट दैट प्रूफ टू ECGC देखते हैं इसमें फॉल्ट बायर का है, देन दे विल रिलीज मनी। ECGC का जो क्लेम है ये 80-98% तक क्लियर होता है। 2-1% वो प्रोसेसिंग चार्जेस के लिए वगैरह वगैरह निकाल कट कर सकते हैं। और दूसरा जो रिस्क है ये खास जो मेजर वो कवर नहीं करते हैं, वो है एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन रिस्क। ये जो डॉलर कम ज़्यादा होता है ना, डॉलर का रेट कम ज़्यादा होने के बाद झटका लगता है, कभी कभी फायदा होता है लेकिन कभी कभी झटका लगता है। तो झटका लगना नहीं चाहिए, इसलिए इसका इंश्योरेंस जो है ये बैंक करती है, क्योंकि डॉलर बैंक से ही डॉलर आता है, डॉलर जाता है, जिस बैंक में AD बैंक में आपका अकाउंट रहता है ये, वो बैंक उसको उसका इंश्योरेंस करती है डॉलर अप डाउन का, उसको हेजिंग करेंसी बोलती है, HEDGE, हेजिंग, हेज टू हेज, टू प्रोटेक्ट लाइक दैट, टू हेजिंग द करेंसी, करेंसी का हेज करना, करेंसी प्रोटेक्ट करना। फिर अगर लॉस होता है तो बैंक विल बी है, प्रॉफिट होता है तो आपका ही है, ऐसा हेजिंग करेंसी का होता है। क्योंकि हेजिंग करेंसी का ECGC के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए वो रिस्क भी ECGC कवर नहीं करता है। तो दोस्तों ECGC के साइट को विजिट करो, ECGC के अलग अलग कैसे हैं, क्या है, उनके पॉलिसीज वगैरह सब देख लो, और बहुत आसान चीज़ें रहती हैं। लेकिन आप 100% एडवांस से अगर धंधा करते हैं ना, जो काफ़ी लोग करते हैं, हमने तैयार किया है 100% एडवांस से धंधा कैसा करने का लोगों को, ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके डिक्शनरी में LC और ECGC शब्द ही नहीं रहेंगे, बराबर है, आपको मदद लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है, पावरफुल कम्युनिकेशन आप नहीं कर पाते हैं, आप हमारा प्रोग्राम अटेंड नहीं करते हैं, आप ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, और उस समय अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप LC ECGC, जब एडवांस नहीं मिलता है तब इससे भी LC से ECGC से आपका पैसा इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए सबका सुविधा हमारे भारत सरकार ने सामने रखा है, और इसलिए एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का उन्होंने निर्माण किया है। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।